आपके लिए म्यूजिक का एक नया लेसन लेके आया हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था सरगम को कैसे बजाना है, एगुन सरगम, दुगुन सरगम, हमने वहाँ तक हमने उसका प्रैक्टिस किया था और आपको मैंने बताया था। जो आज का लेसन है वो है हमारा एक गीत के ऊपर। मैं आपको आज एक गीत बजाना सिखाऊंगा जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, नेशनल एंथम है, और उसको बजाना ईजी है काफ़ी। और मैं इनको दोनों मेथड्स में बताऊंगा, जैसे कि हारमोनियम पे बजाना और जो मैंने कहा है आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस है हारमोनियम वाली, मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए कही थी और वो काफ़ी बच्चों ने डाउनलोड की भी है, और उस पर बजाना ताकि आप हारमोनियम वाले जो हैं वो हारमोनियम पे बजा सकें और उससे सीख सकें, और जो मोबाइल से सीख रहे हैं वो मोबाइल से सीख सकें। और इनको जो है राष्ट्रगीत है वो दो भागों में आपको सिखाऊंगा, जो आधा भाग तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, आधा भाग मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और इजीली आप उसे सीख सको। तो आज का हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गो। तो आज का हम फिर से लेसन स्टार्ट करते हैं, जनगण मन आप लोगों को कैसे बजाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्वर लिख लिए हैं, जनगण मन अधिनायक हम तरंगा तक आज बजाएंगे। तो हम आठवें सफ़ेद से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने स्वर स्वर जो शुद्ध स्वर है वो लिख लिए थे मैंने, अभी आपको बता देता हूँ मैं कैसे करना है। तो हमारा जो भी शुद्ध स्वर है, जो आठवां सफ़ेद है, यहीं से हमारा शुद्ध स्टार्ट हो जाता है। सा रे ग म प ध नी और सा, तार सप्तक का सा। तो जो शुद्ध स्वर है आठवें से तो सिंपल है, सा रे ग म प ध नी सा नि ध प म ग रे सा। तो जनगण मन हम सीधे सफेद स्वरों से बजाएंगे, इसमें कोई भी ब्लैक कीज यूज नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम जनगण मन स्टार्ट करते हैं। जनगण मन अधिनायक, अब आपको ध्यान देना है मैंने क्या करा, सारे जन गण मन अधिनायक, मैंने मन से और अधिनायक तक गागा प्ले किया है और आपको गा के बजाना है। जन गण मन अधिनायक, फिर आपको जय हे बजाना है, तो जय हे में बजाना रे गा मा, जया हे रे गा मा, एक लाइन आपको आ गई, फिर से एक और बार बजाता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे, ठीक है। दूसरी लाइन देखिए, अब दूसरी लाइन में क्या है, भारत भाग्य विधाता, तो भारत में हम गागा बजाएंगे, भारत भाग्य वी, भाग्य और वी तक हमें रे रे बजाना है, भारत ग ग ग और भाग्य में रे 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 और भाग्य भी, भाग्य भी। अब हमें क्या करना है, मंत्र सप्तक के नी में आना है। अब हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ नी है ना, तो ये सा है तो ये नी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, विधाता को धाता धाता, ठीक है। तो फिर से एक और बार, भारत भाग्य विधाता, हम मंत्र का नी बजाएंगे, मंत्र का नी, ओके। अब मंत्र में हम जाते हैं तो नीचे बिंदी होता है, जब हम ताड़ सप्तक में चढ़ते हैं तो ऊपर बिंदी होता है, ठीक है। इसके बाद पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हम फिर से सा पे आ जाएंगे, ठीक है। पन पन में क्या हो रहा है, सारे, और जाब में सीधा हम जाएंगे पा पे, ये देखो यहाँ पे पा है, पंजाब सिंध गुजरात मा, मा तक आपको आना है, पापा लेके सारे पा 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 पा, इसका मतलब है पंजाब सिंध गुजरात मा। अब राठा को कैसे गाना है, राठा में आएगा यहाँ पे आपका तीव्र मा आएगा यहाँ पे, ठीक है, मरा, ऊपर जो एक यहाँ पे काला कीज यूज हो रहा है जो कि क्या है, तीव्र मा है हमारा, ठीक है, शुद्ध मानी है जो तीव्र मा है, शुद्ध ये नीचे है और फिर उसके बाद मरा, रा पे यहाँ पे आ जाएगा, और ठा में आएगा धापा,
धापा। ठीक है, अब एक बार पूरी तरीके से बजा के दो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो अब हमने मराठा तक बजा लिया है, इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट द्राविड़ से। तो द्राविड़ हम वहां से स्टार्ट करें। द्राविण तीन बार मा गया, उत्कल तीन बार गा आ गया, बंगा रे मा गा। बंगा में क्या आएगा? रे मा गा बंगा। फिर से एक और बार देखो, द्राविण उत्कल बंगा। ठीक है, अब विंध्य हिमाचल आ जाएगा। विंध्य हिमाचल, अब यहाँ पे ध्यान देना, विंध्य हिमाचा तक आएगा आपका गा गा। ठीक है, विंध्य हिमाच ला आएगा आप पे रे पे। विंध्य हिमाचल, यमुना आएगा आपका पा पे। फिर देखो यहाँ पे पा जाएगा, यमुना गंगा। यमुना तीन बार पा, यमुना गंगा। ठीक है, एक बार फिर से देखना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। अब उच्छल में फिर से गा जाएगा, उच्छल जलधि। ठीक है, गा गा तीन बार गा, उच्छल जलधिता जलधिता। अब जलधि तो आ ही रहा है, तो जो तरंगा का ता होगा वो भी रे पे आएगा, उच्छल जलधिता। रंगा में फिर वही जैसे हमने विधाता बजाया था, नीरे सा, कौन सा? मंद्र का नीरे सा। अब इसको पूरा बजा के देखो, उच्छल जलधिता रंगा। आपको इतना ही बजाना है और इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। इसकी फोटो मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप लोग इसका रियाज करेंगे। थैंक यू। अभी हारमोनियम पे जनगण मन बजाना सिखाया, वैसे ही मैं अब आपको जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहले आपको करना क्या है, जो आपको ये हारमोनियम उसे फिट कर लीजिए आप थर्ड नंबर पे, ऐसे करके आप यहाँ पे फिट कर लीजिए। और आपका जो आठवां सफ़ेद है वो आपका सी थ्री या ये सी टू हो सकता है आपका, ये सी टू, आप इसे सी टू पे ले आइए। और ये जो वाइट कीज़ है आपकी, जो मंदिर सप्तक का नी है, उसे अपने सामने ज़रूर रखिएगा। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट है जनगण मन, आपको कैसे प्ले करना है आपको हारमोनी में समझ आ ही गया होगा, बट आपको इस बार मैं जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू समझा देता हूँ। तो फर्स्ट है जनगण मन अधिनायक, तो क्या है सारे गा 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 गा, इतना आपको समझ आ गया। फिर उसके बाद जय हे, तो उस जय हे में क्या करेंगे आपको, जय हे। ठीक है, रे गा मा, फिर से एक और बार बजाएंगे हम जय हे तक, जन गण मन अधिनायक जय हे। ठीक है, फिर है भारत भाग्य विधाता, भारत तीन बार गा बजाना है, भारत भाग्य विधाता। क्या आ रहा देखो, ये है नी, मंद्र का नी आएगा, था ता। ठीक है, फिर से एक बार पूरा बजाएंगे, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब आएंगे हम पंजाब में, आएंगे हम पंजाब सिंध गुजरात मा। अब हम पंजाब से कैसे आ रहे हैं देखो, सारे पापा, ये पा है, पंजाब सिंध गुजरात मा। गुजरात और मा तक हमें यहाँ पे होल्ड करना है। ठीक है, फिर से एक बार, पंजाब सिंध गुजरात मरा, ये आ गया आपका तीव्र मा। ठीक है, ये आपका शुद्ध मा, ये तीव्र मरा, रा में आ जाएगा मरा मरा।
का जो था है मराठा, समझ आया? ये आपका पा, तीव्र मा, फिर था, और फिर उसके बाद देखिए, बने जाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, द्रविड़ उत्कल, तीन बार माँ बजाना आपको, द्रविड़ माँ कौन सा? शुद्ध माँ, हमने अभी तीव्र माँ यूज करा था, अब हम कौन सा यूज कर रहे हैं? शुद्ध माँ, द्रविड़, पूरा शब्द आ गया, उत्कल, उत्कल तीन बार बजाया, बंगा, रे मा गा, ओके बंगा, ठीक है, फिर एक और बार फिर से बजाएंगे, रावण उत्कल बंगा, ठीक है, फिर हम विंध्य हिमाचल, जैसे ही हम बंगा करके गा के आए तो यहीं से हमारा क्या होगा, विंध्य हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा, विंध्य हिमाचल, अब हिमाचल का जो ला है वो आएगा रे पे, ठीक है, विंध्य तो यहीं से स्टार्ट होगा, विंध्य हिमाचल, ठीक है, च ला आएगा रे पे, ल यमुना आएगा फिर आपका पापे, ठीक है, देखो फिर से, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, जो यमुना वर्ड है वो पूरा इस पर आ जाएगा, यमुना गंगा उच्छल जलधि, अब उच्छल, ठीक है, उच्छल आपका है गा पे, ग ग ग उच्छल जलधि, जलधि एक वर्ड है, तरंगा फिर दूसरा वर्ड है, तो तरंगा का जो रा आएगा, रा यहाँ तक ता इस पे आएगा, उच्छल जलधि, रंगा का आएगा जो आपने पहले बजाया था, ठीक है, नी रे सा, कौन सा नी, मंत्र सप्तक का नी बजाया था आपने, नी रे सा उच्छल जलधि रंगा, एक बार मैं पूरा फिर से बजा के दिखा देता हूँ, जनगण जनगण मन अधिना, प्रैक्टिस करनी है और अपना आप चाहें तो आप इसे तीसरे नंबर पे भी ले सकते हैं, यहाँ से इसकी आवाज़ क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इसकी क्वालिटी साउंड अच्छा हो जाएगा, आप फोर्थ नंबर में ले लेंगे तो काफ़ी मतलब साउंड क्वालिटी मतलब गुड होगी, कहीं से भी इसे कर सकते हैं, फाइव से कर सकते हैं, सिक्स से कर सकते हैं, मगर आप लोग फोर से इसका रियाज कीजिए, और आपको क्या करना है, ये जो नी है मंत्र सप्तक का नी है इसको अपने साथ रखना है ताकि आप उसे यूज़ कर सकें, ओके, थैंक यू वेरी मच, और जिसको नहीं समझ आए वो मुझे पूछ सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ओके, थैंक यू।